चाहिए ना आचार्य जी, सॉरी राजन सर को। तो लेट्स प्रे एंड वेलकम। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इतने अच्छे मेंटोर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज राजन सर की हियरिंग सुनेंगे, इतनी खुशी से सुनेंगे प्रभु। बस सबको अनम्यूट और म्यूट का ध्यान रखना, और कोई बीच में कुछ ना बोले, सिर्फ राजन सर की बात हम सुने और गहराई तक प्रैक्टिस करें हम। बहुत बहुत शुक्रिया राजन सर के घर में बहुत सारी बरकतें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Sir, one line I want to say. We Yes, want please. today we are welcoming Rajan sir on this platform, and he's going to share his magnificent son's marriage with his magnificent sway. Welcome, sir. थैंक यू, धन्यवाद आपने मुझे वेलकम सर, बुलाया. वेलकम सर, एक बात बोलूंगी वेलकम सर, सर। मैंने तो उस लड़के के मैरिज में मेरे समधियों का नेचर भी वो ही मिला है मुझे, उनका स्वभाव एंड व्हाट एवर आई वांटेड आई मैनिफेस्टेड दैट. सर ममता जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, पूरा राजन सर को बोलने ओके, दीजिए। सो नाउ लेट मी स्टार्ट. सर मैं एक नाउ लेट सेंटेंस मी स्टार्ट बोलना चाहता कि 2013 में मेरे बड़े लड़की की शादी हुई, शगुन की, 2013 दिसंबर. एंड छाया एंड माई सेल्फ, हमारा मतलब पहली शादी थी, मेरा एल्डर सन पहली शादी. तो मुझे याद है कि छाया रात रात भर जगती थी, कुछ ना कुछ लिखती थी, कबाड़ खोलती थी, ये करती थी, वो करती थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको. खाना नहीं खाती थी, भूख नहीं लगती थी, उसका नेचर भी चेंज हो गया था. नाउ दिस वॉज द अमाउंट, दिस वॉज द काइंड ऑफ प्रेशर दैट शी वॉज अंडर. भले हम लड़के वाले थे, बट शादी को लेके इतना परेशान, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेसफुल. शी आई रिमेम्बर सो मेनी टाइम, मतलब शी नेवर इज टू लाफ ऑल्सो, हंसना भूल गई थी और खाना पीना भी छूट गया था. अब दिस इज द पोजिशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बींग जब उनके घर में शादी होती है. तब हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विथ दिस? दिस इज लाइक अ रूटीन, टेंशन, स्ट्रेस, समझ में नहीं आ रहा, आपका नेचर बदली हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, खाना में मन नहीं लगता है, खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट आपके घर में है. राइट, नाउ दिस वॉज इन द ईयर 2013. एंड नाउ इन 2019, जब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब मैंने 2020 में अश्विन जी से, अश्विन मुंजाल से सब ग्रेटिट्यूड सीखा, तब क्या हुआ? आई हैव टू सन्स, वन इज शगुन, संकेत. जब संकेत की शादी हुई तो जैसे कि हम तो चैंपियन है, मतलब वी वर लाइक अ प्रो. छाया ने अपना 369 शुरू कर दिया था, शी न्यू ऑल द टेक्निक्स. ग्रेटिट्यूड की तो मास्टर है, मतलब उनको पता था ग्रेटिट्यूड कैसे करना. अब मैं आपको एक एक चीज के इवेंट्स बताता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ. अब हुआ ये, हम स्टार्टिंग, सो स्टार्टिंग विथ लाइक छाया, वी वर इन 2020 दिसंबर, जब तो हमारे बच्चे की सगाई भी नहीं हुई थी. और छाया ने अमेरिका इन शी वॉज मैनिफेस्टिंग इन अमेरिका, वी वेर इन यूएस. माई आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर इन दिसंबर 2020, सो वी वेर फॉर अ मंथ इन यूएस. और वहां पर बैठ के उसने मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरा बच्चा विल प्रपोज, संकेत विल प्रपोज टू हिज फियांसे इन दुबई. अब ना तो लड़की का पता है, ना कोई शादी का ठिकाना है, ना कोई सगाई हुई थी, कुछ नहीं, और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, आई थिंक कुछ भी नहीं था. एंड After a few months coming back from US, we came back in January 2020. उसके बाद में all of a sudden in the month of May or June, Sanket comes and tells us that I'm going to propose Dhwani in Dubai. अब बताओ ये कैसे हुआ? Everything is manifestation. आप इसकी शक्ति को जानिए,
मैं आपको बता रहा हूं, मतलब अमेजिंग. अब ये हुई प्रपोजल की बात. दिस इज जस्ट वन इंसिडेंट दैट आई रिमेंबर. देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस. नाउ लेट मी शेयर विद यू अनदर इंसिडेंट. अब हम शादी के जो वेडिंग कार्ड्स रहते हैं ना, वेडिंग कार्ड्स देखने गए, तो हम मार्केट में गए यहाँ बम्बई में. सो आई वेंट इन द मुंबई शॉप्स, द बेस्ट वन ऑफ द फ्यू शॉप्स. एक दो डिजाइनर को पकड़े, ये वो किया. अब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था वॉज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव. नाउ संकेत गॉट मैरिड इन द ईयर इन फेब्रुवरी 22 में ही गॉट मैरिड. अब जब उस टाइम पे जस्ट लॉकडाउन खुला था, एंड द वेडिंग कार्ड्स इन मुंबई वेर सो एक्सपेंसिव, जो हमें पसंद आते थे वो, तो मैंने फिर किसी ने बोलते बोलते बोल दिया कि भाई दिल्ली में बहुत अच्छे मिलते हैं कार्ड. यू विल नॉट बिलीव, आई केम टू दिल्ली दैट टाइम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में हम लोग आए, वॉट एवर. तो उस दिन इन्होंने मेरा एक सेशन रखा था दिल्ली में. आई हैड ओनली 2 आवर्स, और वो 2 घंटे में मैं दिल्ली के कोई शॉप में गया, वहां मार्केट था कोई ओला जुमा मस्जिद के पीछे, एंड ओवर देयर आई सो एन अमेजिंग ब्यूटिफुल कार्ड. अब टाइम ही नहीं था क्योंकि सेशन शुरू हो गया था, सब लोग दिल्ली में कॉनॉट प्लेस के ऊपर, दे वर ऑल सिटिंग एंड वेटिंग फॉर मी. आई रीच्ड अबाउट 1/2 आवर लेट एंड 2 घंटा. तो फिर मैंने बोला, फिर वो दुकान वाले को, भाई मुझे तो जाना पड़ेगा. तो बोले, सर मैं आपके लिए दुकान खुला रखता हूँ. यू विल नॉट बिलीव, नाउ ही केप्ट द शॉप ओपन. आफ्टर आई कंप्लीटेड माई सेशन इन दिल्ली, आई मेट ऑल द पार्टिसिपेंट, और वो रात को 9 बजे या ऐसा कुछ तो, या 9:30 बजे उसने सिर्फ उसकी दुकान खुली रखी सिर्फ मेरे लिए, और मैंने उस कार्ड को फाइनलाइज किया. और वो कार्ड इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि एवरीबडी बिफोर द मैरिज स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग, क्या बढ़िया है. एंड इट वॉज लाइक अ वाव, इट वॉज लाइक अ बिग बॉक्स एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स एंड गिफ्टिंग एंड दिस एंड दैट. अब शुरुआत हो गई. ये सब कैसे हो रहा था वॉज बिकॉज मी एंड छाया वेर कंटिन्यूअसली हैप्पी. कोई टेंशन नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज वी हैड बिलीफ कि हमारी बच्चे की शादी बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा. एंड वी यूज्ड टू से दैट, अरे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है. एंड हूसोएवर, हम जिसको भी मिलते थे, हम सबको बोलते थे कि शादी में बहुत मजा आने वाला है, शादी में बहुत मजा आने. देर वॉज नो स्ट्रेस एनीवेयर. छाया वॉज डूइंग हर प्रैक्टिस ऑफ 369, दैट इज वॉट केप्ट हर अलाइव. मतलब उसको उस मूड में, उस जोन में, शी केप्ट ऑन बींग बाई डूइंग 369. ग्रेटिट्यूड तो हम लिखते ही थे. एंड नाउ आई स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड के, वाओ कितनी बढ़िया शादी हो गई, कितनी बढ़िया लग्जरियस शादी हुई, इतना लेविश, एवरीबडी इज एंजॉयिंग, कोई कंप्लेन नहीं, खाना तो बहुत बढ़िया. अब हमारा, वी वेर स्टेइंग इन द होटल सेंट रेजिस इन मुंबई. सो सेंट रेजिस जो परेल में है, वहां पर हमने सब रूम बुक किए थे एंड खाना. सो नॉर्मली पीपल वेर सेइंग, अरे एक अपना कोई कुक को भी रख देते हैं, यू नो खाना अच्छा नहीं होता, 5 स्टार होटल का टेस्ट अच्छा नहीं होता, ये नहीं वो नहीं. एंड आई वॉज सो पीसफुल, बोला खाना तो बढ़िया होने वाला है, मजा आने वाला है खाना खाने का. और बेस्ट पार्ट वॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत लोग बाहर ही नहीं निकले थे, घर से बाहर नहीं निकले थे, कहीं कुछ आना जाना भी सब बंद था. और ऑल ऑफ अ सडन दिस वॉज अ 3-day इवेंट इन मुंबई इन अ होटल. एंड टेलिंग यू एवरीथिंग वॉज फ्लॉलेस. फ्लॉलेस का मतलब है कोई गलती नहीं थी. बढ़िया होटल, बढ़िया सर्विस, बढ़िया डेकोरेशन, बढ़िया इवेंट मैनेजर, बढ़िया डांस परफॉर्मेंसेस. सो वी हैड, हमारे में संगीत होता है शादी के पहले. उस दिन हमारी पार्टी चली थी लाइक टिल 4 in the morning. एंड मतलब आई डोंट इवन इमेजिन, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि आई कुड डांस टिल द एंड. एंड 5 o'clock आई वेंट एंड मेट अश्विन. आई वाज सो एनर्जेटिक. छाया बोल रही है अश्विन जी भी थी वहां पर, तो 5 बजे she met अश्विन जी that day in the morning 5 o'clock. So anyway, the point was, and one more thing I'll tell you, होता क्या, my legs were paining, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था before 4, मतलब 5-6 महीने से ऐसा मेरा चल रहा था. During that time, even I went to Chandigarh, जब एक session रखा था दीपांजलि ने, मैंने बोला कि पूरा session में खड़ा रह के लीड करूंगा, आई विल नॉट सिट डाउन. आई हैड गिवन अ कमांड टू माय माइंड, कुछ नहीं होता मुझे, जबकि मैं बेल्ट पहनता था पांव में, यू नो, बट माय फीलिंग वाज मुझे कुछ नहीं हुआ. एंड सेम थिंग ड्यूरिंग माय मैरिज, तो मैं फिजियोथेरेपी करने गया,
So when I went to physiotherapist for my pain in my leg, calf muscles and all, so I created a why. मैंने एक why को create किया था. वो why ऐसा था कि मुझे full night dance करना है मेरे बेटे की शादी में. I want to be fit, fine and healthy. अब मैं 3-4 बार गया physiotherapist के पास, बाद में भूल गया. मतलब my I have a belief, I will not take medicines, I am fit, fine and healthy. ये मेरा बचपन से belief है. मैं दवाई नहीं लूंगा, बस आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन. एंड दैट डे वी कुड डांस एंड डांस. और फिर मेरा कजिन आया था हु इज आल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, उसने मुझे नागिन डांस भी करवाया था उस टाइम पे. ही मेड द म्यूजिक प्ले नागिन डांस का, वो कौन सा है वो गाना, विच इज दैट सॉन्ग दैट नागिन का, मैं तेरी द, नहीं इट वाज जस्ट द म्यूजिक, नो नो नो, इट वाज द पूरा सॉन्ग, पूरा नागिन डांस मींस यू नो नागिन डांस कैसा रहता है. नागिन डांस आपको फ्लोर के ऊपर ऐसा सोना पड़ता है ऑल, यू नो लाइक द क्रेजी थिंग. कृष्ण तू मेरा, हां यार मैं नागिन से सपेरा, मैं ना. सो आई मीन इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग. खाना बढ़िया, ड्रेस, मतलब कुछ भी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं. इतने सारे लोग होटल में रह रहे हैं एंड यू नो आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन यू नो प्लीजिंग पीपल, बट एवरीथिंग वेल वेल. अब छाया ने कुछ तो भी मैनिफेस्ट, मतलब छाया का देखो, दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, व्हिच वाज द डिजाइनर शामिल. सो छाया जब शगुन का बड़े बेटे की शादी हुई 2013 में, तब उसने कुछ तो भी सोचा था, किसी के कपड़े देखे थे या ड्यूरिंग दैट पीरियड के श्यामल भूमिका करके कोई डिजाइनर है, उसका ड्रेस पहनूंगी मैं. अब उस टाइम पे श्यामल भूमिका का शोरूम वॉज नॉट इन मुंबई इन 2013, बट वन डे जैसे लड़के का शादी नक्की हुआ, देर इज अ शॉप दैट रिसेंटली ओपन, श्यामल भूमिका का एक शोरूम खुला यहां पर, और छाया उस दिन जाके वो एक ड्रेस देख के आई, जो उनको पसंद आया बस वही ड्रेस किया, बाकी कोई ट्राई नहीं किया कुछ नहीं, क्योंकि उनका ड्रेस भी उसके दिमाग में था कि दिस इज व्हाट आई वांट. देयर वाज सो मच ऑफ क्लैरिटी, आई वांट दिस ड्रेस. शी वेंट देयर, एक ही ड्रेस ट्राई किया, उसी को फाइनल किया एंड इट वॉज अमेजिंग. दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज द पावर ऑफ लव. जब आप किसी भी चीज को चाहते हो, दिल से जब चाहते हो ना, ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा हो. एंड दिल से चाहने का मतलब होता है विदाउट डाउट, विदाउट फियर, पीसफुली यू आर अट्रैक्टिंग एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरे घर की शादी तो बढ़िया होने वाली है, मजा आने वाला है. एंड आई विल टेल यू, मतलब मेरे लिए ऐसा डांस करना इतना इजी नहीं है, सो इट इज नॉट इजी फॉर मी टू डांस, बट दैट डे जब मैं स्टेज के ऊपर भी डांस कर रहा था तो आई वॉज एंजॉइंग, मतलब मेरे चेहरे पे ऐसा, मतलब आई वॉज लाफिंग एंजॉइंग माई डांस, कोई स्ट्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे मजा आ रहा था. मतलब जब हमारा संगीत में जब फैमिली प्रोग्राम, फैमिली परफॉर्मेंसेज होते हैं, सो ऑल द परफॉर्मेंसेज वॉज अमेजिंग. सो भावना पुंजवानी इज आस्किंग वॉट इज द 369 यू हैड रिटन. सो छाया वॉज डूइंग, तो मैंने लिखा है, छाया ने लिखा था, आई एम एंजॉइंग ऑल द वेडिंग सेरेमनीज विथ हैप्पी फेसेज अराउंड मी. The wedding ceremonies are all lavish and royal. There is abundance of richness everywhere. This is what she had written. I think 20-21 din to kiya hi tha pakka. I am enjoying all the wedding ceremonies with happy faces around me. Happy faces ka matlab hota hai, sab log khush hai, sab log wah wah kar rahe hai, sabko maza aa raha hai. Ab aap apne ghar ki shaadi ho aur log maza kar rahe hain, log hans rahe hain, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों ने मेरा वेडिंग कार्ड को तो इतनी तारीफ की जिसकी कोई लिमिट नहीं. द वेडिंग सेरेमनीज आर ऑल लैविश एंड रॉयल, देयर इज अबंडेंस ऑफ रिचनेस एवरीवेयर. बहुत मजा आया एंड इट वॉज लाइक अ ड्रीम वेडिंग फॉर अस. एंड पर्टिकुलरली यू नो जब हमने, व्हेन आई कंपेयर इट विद माय एल्डर सन्स वेडिंग, जहां पर वी वेर नॉट ट्रेंड, अब हमारी ट्रेनिंग हो चुकी थी, अब हमें पता था द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी न्यू द पावर ऑफ अप्रिशिएशन, वी न्यू द पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल एंड वी ऑल्सो न्यू द पावर ऑफ गिविंग.
अब मुझे देने की इतनी मजा आती है, पहले मैं कभी भी किसी को टिप नहीं दे सकता था। मैंने उन तीन दिनों में जितने भी मतलब जो होटल के स्टाफ थे, मेरे फोटोग्राफर्स, माय इवेंट मैनेजर्स, एवरीबडी, सबको टिप देता था मैं, बहुत मजा आ रहा था मुझे। ऑन द लास्ट डे मतलब जो शेफ था वहां का, ही हैड कॉम्प्लीमेंटेड वंस और ट्वाइस कि बहुत बढ़िया वेडिंग है आपकी, मजा आ रहा है आपकी वेडिंग में। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम एंड व्हाट मेड हिम से दैट। इवन जो हमारा बारात थी, जो बच्चे की बारात थी, तो बच्चों ने डिसाइड करके रखा था कि हम तो 5 घंटा डांस करने वाले हैं बारात में। तो द बेस्ट पार्ट इज वी गॉट अ एसी हॉल। अब जैसे रस्ते पे बारात निकलती है ना, तो इसकी तो होटल से निकली, मतलब होटल से हम आए ऑन द सेकेंड फ्लोर और वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल था, वो एसी हॉल था। तो बच्चों को जो डांस करने का मजा आया, मतलब जो बारात का जो डांस रहता है, एसी चालू, पूरा कारपेट वारपेट, पूरे धमाल चल रहा है, एंड इट वाज अ ह्यूज हॉल एंड एवरीबडी एंजॉयड। एंड ऑन द लास्ट डे जब मैं चेकआउट कर रहा था, तब आई वांटेड टू हग द शेफ एंड टू यू नो गिव से थैंक यू टू हिम। तो मैंने एक मतलब आई कॉल फॉर द शेफ, तो शेफ वॉज ऑन छुट्टी पे था उस दिन जब हम चेकआउट हुए उस दिन। तो मैंने उसको फोन किया, मैं बोला मैं आपके लिए कवर देखते जा रहा हूँ और हमें आपकी सर्विस बहुत बढ़िया, आपने खाना बहुत बढ़िया बनाया था, मैंने इतनी तारीफ की उसकी। ही सेड कि नहीं सर, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं बोला नहीं सर, आप अगर यहां रहते तो मैं आपको गले लगाता था। एवरीथिंग इज आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका फेथ क्या है। पूरी दुनिया वैसे चल रही है, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत मजा आने वाला, हमारा एक्सपेक्टेशन था सबको मजा आने वाला था, हमारा एक्सपेक्टेशन था वी आर गोइंग टू सी हैप्पी फेसेस अराउंड अस। दिस इज व्हाट वर्क फॉर माय मैरिज। अब मैंने आपको जो बताया उसमें विजुअलाइजेशन भी काम करता है, आई डिड विजुअलाइजेशन ऑल्सो। अब मैंने आपको ये जो जो बातें बताई हैं, आपके घर में बर्थडे पार्टी हो या कोई चार लोग घर पे खाना खाने को आ रहे हैं, तो आप हड़बड़ा जाते हैं, खाना का टेस्ट कैसा होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। स्टार्ट यूजिंग द पावर्स ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में शक्ति है उसको बढ़िया से बढ़िया करने का। अब मैं 2 दिन गया था मैं लोनावाला इन माय बंगलो, तो ऑल माय फ्रेंड्स हैड कम टू माय हाउस। तो मैं मेरे घर में 3 साल के बाद गया था, मैं मेरे घर में जाता, मतलब आई नेवर विजिटेड माय लोनावाला हाउस, सो आई वॉज लिटिल फियरफुल कि भाई अच्छा होगा नहीं होगा, ये होगा। बट आई डिड माय विजुअलाइजेशन, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, एंड एवरीथिंग लाइक एवरीबडी लाइक्ड इट। माय हाउस वाज क्लीन, नीट, टाइडी, एवरीथिंग अप टू डेट, सब कुछ ओके था, सबको मजा आया। अब होता क्या है, हम ही सोचते रहते हैं कि मजा नहीं आएगा, डाउट करते हैं, ये करते हैं कि भाई क्या होगा, खाने का क्या होगा, इसका क्या होगा, ये अच्छा नहीं हो गया तो, उस टाइम पे तो अच्छा नहीं मिला था, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव। स्पीक ओनली व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर एक्सपीरियंस। आपने सिर्फ वही बोलना है जो आपको चाहिए। देन आई थॉट ऑफ इट कि नहीं नहीं बढ़िया जाने वाला है, सबको मजा आने वाला है, एंड वी एंजॉयड। रात को 3 बजे तक जागे, देन संडे ऑल्सो फुल डे वी एंजॉयड विथ माई फ्रेंड्स इन लोनावाला। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस in every day of your life. But this is how you can create your day also by expectation. आज तो बहुत मजा आने वाला है, आज जो मेरी मीटिंग है बहुत बढ़िया हो गई, जो मैंने बोला वो सब काम हो गए मेरे, I am coming back home safe and healthy, बहुत मजा आएगा, today is the best day of my life. Create your day, create your wedding ceremonies, create your आपके जो घर के celebrations हैं। और हम क्या करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, अरे इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया। अच्छा शादी के अंदर होता क्या है, इसके बाद ये लगने वाला है, इसके बाद ये लगने वाला है, इसके बाद ये लगने वाला होता है ना, मतलब यू नो इन द वेडिंग सेरेमनी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो कितना सारा, अरे वो कहाँ गया, वो किधर गया, वो किधर रखा, ये किधर रखा, यू नो सो मेनी कंफ्यूजन्स, कोई भाग रहा है, कोई इधर इधर, स्ट्रेसफुल, चेहरे पे तो हंसी नहीं, हमारा सब कुछ पीसफुल हो रहा है, हम लोग दो दो बैठे हैं मजे से, कुछ नहीं कर रहे, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, बढ़िया। भगवान का बच्चा हूं यार मैं, मेरे साथ तो अच्छे होने वाला है। Thank you very much. So this is all my sharing about my child's wedding. Something amazing, sir. Beautiful, beautiful, sir. Amazing. I want to say something, sir.
I was the witness for Sanket's marriage. I had come for marriage with my husband, Dhananjay. Yes. And sir, you won't believe, but I have kept that invitation with me. Oh my God. That box was so beautiful, I cannot throw it. And this was the box. And there were two jars inside with badam the. Usme bahut itne high quality ke badam the. And this box I have kept. I'm never going to throw it. That food was delicious. Decoration was really very nice. That was the first decoration. The best one was the yours. Really. And that wo jo hall tha na, usme jo tables the, उसके वो टेबल के ऊपर भी जो डेकोरेशन था ना, मैंने पहली बार देखा था ऐसा. फूड तो बहुत ही, और जो ब्राइड का एंट्री था ना, yes, that time you told us that bride is going to come, that was also very superb. I have witnessed the marriage, that is why I can tell. It was amazing, I can never forget. And whenever I go to Bombay, my parents' place, whenever I pass from that lower parella, I always see that. And I tell Dhananjay, yahan pe aaye the shaadi ke liye. That was most memorable shaadi, really, sir. Thank you very much. Thank you. Yes. Okay. So this is how you can create your life, or you can stay stressful, tension mein, chinta mein. Ye sab karte jao, aur pura chehre ki hansi chali jati hai. सब अगड़म बगड़म होता है, सब कंफ्यूजन होता है. देर इज नो पीस, देर इज नो फन, देर इज नो हैप्पीनेस, देर इज नो जॉय. सब कुछ चला जाता है. मैनिफेस्ट, विजुलाइज, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट, कि बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बढ़िया. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज माय शेयरिंग फॉर सर. व्हाट अबाउट छाया जी शेयरिंग समथिंग? एवरीथिंग वाज अमेजिंग, व्हाटएवर शी लाइक्स टू. या अब शेयर. How did you feel, or come here? Where are you? Hi, Chaya ji. I always sir keeps on speaking about you, but I always have this thing that you should come on the screen. Thank you. Thank it you. It is better that one person handles it, and I'm behind him. I would like to be there. That would be nice. Okay, so my experience for the wedding was, it was just awesome. A great, great, great wedding I've ever had it and ever seen it. And I can say that my elder son and daughter-in-law, dono ne hi bahut acha sa kaam kiya. Dono ne hi bahut, we were so relaxed, aur sab log aage piche sab kaam kar rahe hain. And trust me, my family, my Rajan's family side, my mom's family side were helping us everything. Like, you know, ye sab maine manifest kiya tha pehle se, ki all my relatives, my friends and my family are going to be there as a support for my wedding. And it happened very beautifully, very nicely it happened. And everything, Sanket ka to jo engagement, everything is thank you so much. And how are you feeling? How are you feeling? Okay, so how was the feeling that time? I was feeling very happy and very relaxed. I was one of the person who was enjoying the wedding so much. Enjoying the wedding, dancing, aur itni energy thi. Main 4 baje so rahi hoon. और 5 बजे मैं अश्विन मैम से मिलने जा रही हूँ. 4 बजे, 4 से 5, 1 घंटा सो के मैं अश्विन मैम को मिलने जा रही हूँ. एंड आई वाज सो एनर्जेटिक. ओके, फॉर दिस 369, इट इज अ टेक्निक. व्हाट यू हैव टू राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट व्हाट इज योर मैनिफेस्टेशन. यू हैव टू डू इट 3 इन द मॉर्निंग, 3 टाइम्स यू हैव टू राइट. इन द आफ्टरनून यू हैव टू राइट इट फॉर 6 टाइम्स, एंड इन द नाइट यू हैव टू राइट इट फॉर 9 टाइम्स. सो उसको बोलते हैं 369. And you have to do it for 21 days or a multiple of 3. 11 kar sakte ho, 21 kar sakte ho. Majorly it is 21 days. That way. Thank you so much, Chaya ma'am, for that. Thank you so much. Lot of clarity with this. Thank you. Thank you. When we meet in the retreat, we'll definitely get. Then we, sure. Looking forward for July. Yeah, when we meet in the retreat, we'll definitely. Sure. Work about this 369, and it will be all clear that time. Yeah, definitely. Thank you so much.
Thank you. Love you, Chaya ma'am. You are a manifesting queen. Love you. Manju ji, love you too. It's okay. An amazing sharing. Amazing, amazing sharing. Wonderful sharing. Okay, so looking for the next retreat with you, ma'am. So next time I will share about my business ka manifestations. एक एक करके कैसे हुआ, मैंने क्या किया. सो जब भी, सो वी वॉन्ट स्पीकर्स, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहो टू बिकम अवर स्पेशल गेस्ट, और इफ यू वॉन्ट टू इन्वाइट समबडी हू इज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी इन्वाइट एवरी वन एट 9:35 टू शेयर देयर प्रैक्टिसेस. और मैं जो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने, यू कैन अंडरस्टैंड, जून जुलाई 2019 से मैं ये प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ. और आज इतने सालों में मैंने जो अबंडेंस क्रिएट किया है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी सुनाऊंगा. हाउ आई क्रिएटेड अबंडेंस इन माई बिजनेस, हाउ आई क्रिएटेड अबंडेंस इन वेल्थ द नेक्स्ट टाइम. सो दिस वॉज वन स्पेसिफिक थिंग अबाउट द मैरिज. नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर अबाउट द वेल्थ, हाउ आई क्रिएटेड, वॉट आई क्रिएटेड, हाउ आई डिड इट. ओके, सो दिस इज ऑल. आज आप जब छाया मैम को क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कॉफी विद राजन सर. So being you were questioning her next week, आपको कैसे लग रहा था, ये सक रहा था, and she replied so well, you know, so yes, Chaya ma'am, और अच्छा जवाब दिया आपने राजन सर को, very good. हमारे dinner table good one, ममता जी, that was very good, ममता जी. Thank you. मुझे बड़े time से था कि छाया को तो screen पे लाना ही है. Okay, so today there is a good news. आज मैंने होटल को mostly finalize कर दिया हूँ मैंने. So it is, so the next retreat will be in the month of July. So I was just mera hotel se baat cheet ho gaya hai. So the next retreat is in Lonavala on 2nd of July. 2nd, 3rd, 4th and 5th ko check out hai. So that is Sunday, wow. Monday, Wednesday. So I will just announce only because I had sent a message to Annie today. उन्होंने दो बार पहले कंफर्म कर दिया है. नाउ दिस इज द फाइनल कंफर्मेशन आई विल टेक. सो आई हैव फाइनलाइज्ड विद द होटल. सो होटल इज द लगुना रिसॉर्ट इन लोनावला. डिड यू गो एंड सी दैट प्रॉपर्टी? वी आर देयर सर, डेफिनेटली. आई हैव सीन द प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी 102 रूम्स. उसमें एक्चुअली वो पीक सीजन है वहां पर. सो बिकॉज ऑफ सम गुड पर्सन आई हैव गॉट अ गुड डील ऑल्सो. बट दैट गुड डील will remain only initially because उनके कुछ होटल का रेंट, मतलब होटल चार्जेस अबाउट 12,000 to 14,000 रुपीज अ नाइट. तो मैंने उसको काफी कम में कराया हूँ मैंने. सो लेट अस सी. सो आई विल जस्ट फाइनली अनाउंस इट विद इन अ फ्यू डेज, दो चार दिन के अंदर. मे बी दिस वीक आई विल अनाउंस एवरीथिंग. इट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, 2nd of July. ओके, एनी क्वेश्चंस और एनी शेयरिंग्स? Great, Rajan sir, we are there for the retreat with you. Yes. Thank you so much for organizing. Thank you. So it's a very attractive deal which I have finalized with him, and it's going to be fun, lots of fun. So thank you very much. Sir, per room occupancy, per room? Haji? Sir, per room, ek room mein kitne log reh sakte hain? Do jan. दो जन नहीं, मेरी बेटी को कैसे छोड़ूंगा, पुणे से बोल रहा हूँ मैं, सुभाष कानेर है, मेरी बेटी को यहाँ दोनों छोड़ नहीं पाएंगे, तो वो भी आ पाएगी? तीन दिन? हाँ, सभी लोग आ पाए थे. मतलब एक्चुअली हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, कितनी बड़ी है? 12 साल की, 12 इयर्स की. हाँ, तो वो आपके रूम में भी एडजस्ट हो जाएगी वहां पर. सो यू, सो एंड जितने छोटे बच्चे रहते हैं, तो एनी क्या करती है, एनी उनका भी क्लास लेती है रोज. सब बच्चों का अलग से क्लास लेती है एनी. ब्यूटीफुल. So the kids also are learning over there. Okay. जैसे संदीप जी का बच्चा जो था प्रहलाद, उसको जो मजा आया था वहां पर was because of एनी. Okay. So thank you very much and we all say to ourselves, today is the best day of my life. आज तो मजा आ गया. Today is the best day of my life. Thank you, Rajan sir. Thank you for amazing sharing. Amazing, wonderful. Thank you so much, sir. Thank you for sharing, Rajan sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. All the best. Thank you, sir. Best sharing. Thank you, sir. Thank you. Thank you.